से पहले कीजिए जस्ट सीखो को सब्सक्राइब, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ में कीजिए लाइक कमेंट एंड शेयर। अपने कंप्यूटर में दोस्तों नॉक्स प्लेयर का इस्तेमाल करके किसी भी फाइल को अपने कंप्यूटर से या फिर कंप्यूटर से नॉक्स प्लेयर में ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको जाना होगा सेटिंग में, उसके बाद दोस्तों आपको रूट का ऑप्शन जो है इसे इनेबल करना होगा, तभी दोस्तों आप अपने कंप्यूटर दोस्तों किसी भी फाइल को नॉक्स प्लेयर में या फिर नॉक्स प्लेयर से अपने कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है ईएक्स फाइल एक्सप्लोर, ठीक है। सर्च करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली उसे डाउनलोड करना है। तकरीबन दोस्तों 5 MB की शायद ये फाइल है, इसे आपको डाउनलोड करना होगा। ये इसका लोगो है, देख ले, इसे मैं ओपन करता हूँ। और ओपन करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे 3 टैब है, वहाँ पे आपको जाना होगा, ठीक है। और देख सकते हो जो होम है दोस्तों उसके बगल में 3 टैब है, वहाँ पे दोस्तों आपको जाना है। उसके बाद जाना है आपको लोकल में, उसके बाद डिवाइस में, उसके बाद आपको जाना है एम एन टी फाइल में। जाने के बाद जाना है आपको शेयर्ड में। जाने के बाद दोस्तों आपको जाना है, ये जो देख सकते हो दोस्तों ये 3 फाइल है आपके कंप्यूटर से अटैच है। यहाँ पे आप जो भी डालेंगे नोट्स प्लेयर में, जैसे व्हाट्सएप का कोई मैसेज है, फोटो है, यहाँ पे डालिएगा तो डायरेक्ट आप कंप्यूटर में शो हो सकता है। और दोस्तों आपके कंप्यूटर में दोस्तों ये कैसे शो होगा, उसके लिए दोस्तों आपको कंप्यूटर में थोड़ा देर बताऊँगा मैं आपको क्या करना है। और देख सकते दोस्तों ये जो फाइल है, पहला है ऐप, दूसरा इमेज, तीसरा है अदर। आपको दोस्तों यहाँ पे सर्च बार में जाना है और दोस्तों इसका जो अटैच फाइल है इसे ढूंढना है दोस्तों। उसके लिए दोस्तों आप यहाँ पे टाइप कीजिए यूजर। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे एक आएगा फोल्डर दोस्तों, यहाँ पे जब अगर आप क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे दोस्तों आपको आपके कंप्यूटर में जितना भी ऐप इंस्टॉल है उसका जो डेटा है वहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। वहाँ पे दोस्तों आपको नॉक प्लेयर में जाकर उसे खोजना है, नहीं तो जाइए आप सी ड्राइव में। और सी ड्राइव में जाकर दोस्तों यहाँ पे सर्च बार में कीजिए नॉक्स प्लेयर, यहाँ पे सर्च कीजिए। और नॉक्स प्लेयर सर्च करने के बाद दोस्तों आपको दोस्तों वहाँ पे शेयर्ड जो है वहाँ पे खोजना है, आपको शेयर्ड का ऑप्शन होगा। नहीं तो सब सिंपल दोस्तों आप जाए यूजर में जाने को दोस्तों आपको जाना है आपके कंप्यूटर में दोस्तों, जैसे मेरा कंप्यूटर डेल, वहाँ पे जाने को दोस्तों आपको खोजना है नॉक्स शेयर, ठीक है। जैसे देख सकते दोस्तों मैंने यहाँ पे सर्च किया नॉक्स शेयर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको फिर नॉक्स शेयर, उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं ये जो तीनों फाइल है दोस्तों, इसमें हम जो भी चीज़ें डालेंगे डायरेक्ट वो हमारे नॉक्स प्लेयर में जाएगा। और नॉक्स प्लेयर में जाकर इसे खोलकर वहाँ डालेंगे नॉक्स प्लेयर से, तो डायरेक्ट हमारे कंप्यूटर में खुलेगा, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों ये जो मेरा कंप्यूटर में नॉक्स, ये जो फाइल है इमेज है दोस्तों मेरे कंप्यूटर में दोस्तों, यहाँ पे कुछ इमेज है ये शो हो रहा है, ठीक है। मैं नॉक्स प्लेयर में जाकर दोस्तों आपको एक व्हाट्सएप से दोस्तों लेता हूँ कोई दोस्तों फोटो, और दोस्तों उसे मैं वहाँ पे डालता हूँ और आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो सिंपल दोस्तों मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप मीडिया में गया और वहाँ से इमेज लिया, इमेज में जाकर व्हाट्सएप मीडिया में जाकर इमेज मैंने खोला। और दोस्तों इस इमेज को थोड़ा देर प्रेस किए करिए रखे, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। फिर मैंने उसे कॉपी किया और कॉपी करने के बाद दोस्तों अब मैं दोस्तों यहाँ पे जाता हूँ लोकल डिवाइस, उसके बाद जाता हूँ MNT फाइल, और उसके बाद फिर शेयर्ड, फिर जाता हूँ इमेज में, उसके बाद मैं इसे करता हूँ पेस्ट। तो ये जो इमेज है दोस्तों यहाँ पे आ चुका है। अब दोस्तों मैं इसी इमेज को अपने कंप्यूटर में आपको दिखाता हूँ, कोई फ्रॉडबाजी ना हो रही है आपको पता लग जाए। और देख सकते हो दोस्तों ये जो इमेज है दोस्तों मेरे कंप्यूटर में यहाँ पे शो हो चुका है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको एक वीडियो डालकर दिखाऊंगा यहाँ पे, उसे फिर नॉक्स प्लेयर में ओपन करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो इजीली नॉक्स प्लेयर में चला गया, ठीक है। अब दोस्तों मैं इन दोनों इमेज को डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ पर ये नहीं हो रहा है, क्यों दोस्तों, क्योंकि ये मेरे नॉक्स प्लेयर का जो फाइल है जहाँ पे अटैच है ये ओपन है, ठीक है। और नॉक्स प्लेयर, अगर नॉक्स प्लेयर क्लोज रहता तो मैं इसे सिंपल तरीके से डिलीट कर पाता, पर ये नहीं हो रहा है। अब दोस्तों मैं एक दोस्तों वीडियो लेता हूँ अपने कंप्यूटर से कहीं से, ठीक है। मैं दोस्तों ये जो वीडियो है दोस्तों मैं इसे ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने कॉपी किया और सिंपल दोस्तों मैं नॉक्स प्लेयर में जाता हूँ और दोस्तों यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, ठीक है, डेल, और उसके बाद नॉक्स शेयर, ठीक है, फिर नॉक्स शेयर, फिर उसके बाद जाता हूँ ओदर में जाता हूँ और उसके बाद करता हूँ यहाँ पे पेस्ट। ये जो वीडियो है मैं इसे पहले डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद उसे पेस्ट करूँगा, ठीक है। तो मैंने इसे किया पेस्ट, अब इसे मैं नॉक्स प्लेयर में आपको ओपन करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों अब मैंने गया यहाँ पे लोकल डिवाइस, उसके बाद MNT फोल्डर, शेयर्ड, फिर ओदर में मैं जाता हूँ और देख सकते हैं ये जो है दोस्तों ये
वीडियो था जो यहाँ पे हमारे नोक्स प्लेयर में आ चुका है दोस्तों। सिंपल दोस्तों, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बस यही दोस्तों आज के वीडियो में इतना। इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। और दोस्तों प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें दोस्तों, और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।